वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ई लर्निंग सेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 16 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्सट बुक दैट इज लाइट। सो बिगिनिंग विथ फर्स्ट वी विल फर्स्ट अ क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज द फिनोमेना दैट अलाउज अस टू सी द थिंग्स। ओके, हमारे जो आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं उसको हम कैसे देख पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से हम सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, उसे कलर्स ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ओके, सो हम सारी चीज़ों को इसीलिए देख पा रहे हैं। द आंसर टू द क्वेश्चन इज कि उन चीज़ों के ऊपर जो लाइट फॉल होती है वो जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में पड़ती है, दैट इज़ द रीज़न दैट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ओके, वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, और जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो हमारी आइज ज़रूरी है और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइट। ओके, बोथ लाइट एंड आइज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट देर आर टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। सो वॉट आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स इमिटिंग देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार, बल्ब एक्सेट्रा आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं उसको कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सन हो या फिर स्टार है या फिर कोई ग्लोइंग बल्ब है। तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते, ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें आते हैं मून, प्लैनेट्स, ह्यूमन बीइंग। ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते। ओके, नेवर बी कन्फ्यूज्ड कि मून जो है वो अपनी खुद की लाइट इमिट करता है इसीलिए वो शाइन करता है, ऐसा नहीं है। मून या फिर कोई भी प्लैनेट इसीलिए शाइन करते हैं क्योंकि उसके ऊपर सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ओके, और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। नाउ मूविंग अहेड, ऑब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ अलाउिंग द लाइट टू पास तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन ऑफ देम इज ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो फिगर में, जो फर्स्ट फिगर है जो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ, ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें आप देख सकते हो कि ये विंडो के बाहर एक जिराफ खड़ा है। ओके, अब ये जो विंडो है इसको तीन अलग अलग मटेरियल से बनाया हुआ है। जो फर्स्ट मटेरियल है उसमें से जो जिराफ है वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बट जो सेकेंड मटेरियल है उसमें वो हमें थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है, और जो थर्ड मटेरियल है उसमें हमें जिराफ का फेस प्रॉपरली दिख रहा है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट को खुद से पास होने देते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट फिगर है जिसको हम ओपेक मटेरियल कहते हैं, ओपेक मटेरियल आर दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है वुड। वुड जो होता है वो अपने अक्रॉस लाइट को पास नहीं होने देता। ओके, और ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो लाइट को अपने अक्रॉस पास नहीं होने देते। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उसको कहते हैं ओपेक मटेरियल्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स जो आपको सेकेंड फैब्रिक दिख रहा होगा या फिर जो सेकेंड विंडो के सेक्शन दिख रहा होगा उसमें से आपको जिराफ का थोड़ा सा पोर्शन थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो वो इसीलिए है क्योंकि वो जो स्लाइड है वो ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो कि लाइट रेज को अपने से थोड़ा बहुत पास होने देता है। ठीक है, और ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। वाइल ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को खुद से पूरी तरह से पास होने देते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आता है प्लेन ग्लास। ओके, जो वाइट ग्लास होता है वो लाइट को पूरी तरह से पास होने देता है। सेकेंड फिगर में भी आप यही चीज़ देख सकते हो कि जो फर्स्ट विंडो है वो लाइट को पूरी तरह से पास होने दे रही है, इसीलिए इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वाइल जो सेकेंड विंडो है वो लाइट को थोड़ा सा कम पास होने दे रही है, इसीलिए दे आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। बट जो थर्ड विंडो है जो कि वुड की बनी हुई है वो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने दे रही, इसलिए पीछे जो है वो अंधेरा है, एंड हेंस सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके, अभी लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। ऑलवेज द लाइट रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट रेज नेवर बेंड्स इटसेल्फ, ऑलवेज इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो ये समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करना पड़ेगा कि आपको एक पेपर लेके उसको ट्यूब के फॉर्म में रोल करना है, एंड आपको दो कंडीशंस चेक करने हैं। फर्स्ट तो आपको उसको स्ट्रेट रख के चेक करना है, जब आप उसको स्ट्रेट रखोगे अपनी आईज के पास
तो आप जो ट्यूब की दूसरी तरफ जो भी चीजें हो रही हैं उसको आप देख पाओगे, बट अगर आप ट्यूब को बेंड कर दोगे तो फिर आप उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके अक्रॉस में क्या हो रहा है, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ओके, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। लाइट नेवर बेंड्स इटसेल्फ, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नाउ हाउ शेडोज आर फॉर्म। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। ओके, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमने कहा था ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये तो लाइट को पास होने नहीं देते। अब जैसे कि कोई सन रेज हमारे ऊपर फॉल हो रही है या फिर किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रही है, तो क्या होगा कि वो हर जगह वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उससे वो खुद को पास नहीं कर पाएगी। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे क्या फॉर्म हो जाएगा, उसके पीछे डार्कनेस फॉर्म हो जाएगी, एंड दैट डार्कनेस इज कॉल्ड शेडो। ओके, हो रहा है क्लियर कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उससे लाइट पास नहीं हो पाएगी और इसीलिए उस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस में डार्कनेस फॉर्म हो जाएगी, एंड दैट डार्कनेस इज कॉल्ड शेडो। अभी रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो द रिफ्लेक्शन इज समथिंग कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल होके जब वो हमारी आंखों में बाउंस बैक करता है जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन जो है उसके कुछ लॉज होते हैं, कि कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन जो है वो बाउंडेड होता है। तो जो फर्स्ट फिगर है अभी आपको स्लाइड पे दिख रही है उसमें एक इंसिडेंट रे है, एक रे डायग्राम दिख रहा है आपको। रे डायग्राम मतलब हम जो लाइट आती है, जो लाइट के रेज होते हैं उसको हम पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऐसा जो रे डायग्राम आपको नजर आ रहा है जिसमें एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है, और ये दोनों जिस पॉइंट पे मैच हो रहे हैं उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है जिसको कहते हैं नॉर्मल। ओके, अभी ये जो इंसिडेंट रे है उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनता है नॉर्मल का उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें फर्स्ट लॉ ये स्टेट करता है कि जिस एंगल से कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से वो जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होगी। ओके, दिस इज स्टेटेड एज कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे को इक्वल होगी। सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और नॉर्मल है, ये तीनों चीजें हमेशा सेम प्लेन में होगी, मतलब सेम सरफेस पे होगी। ओके, द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिरर। तो मिरर्स जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर्स वो होते हैं जनरली हम हमारे घरों में यूज करते हैं जिसमें हम जैसे के जैसे हैं वैसे ही नजर आते हैं, बट स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं उसमें जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो अभी पहले हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट इज स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो अभी जो प्लेन मिरर में जो प्लेन मिरर तो हम सबको पता है कि हमारे घरों में जो मिरर्स होते हैं जिसमें हम रोज सुबह उठ के खुद को देखते हैं, सो दैट इज द प्लेन मिरर, कि उसमें कोई एक प्लेन सरफेस होता है, वो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो। ठीक है, उसमें कुछ कर्व नहीं है, एकदम स्मूथ सरफेस है, और जिसकी ऐसे इमेजेस में जो ऐसे मिरर्स में जो इमेजेस फॉर्म होती हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर्स आर ऑलवेज इरेक्ट। ओके, कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप पैरों पे खड़े हो तो आपको मिरर में आप सर के बल खड़े नजर आओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऑलवेज आप जैसे जिस भी डिरेक्शन में आप अप डाउन खड़े हो आपको हमेशा ही मिरर में आप उसी तरह से अप डाउन नजर आओगे। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इरेक्शन। ठीक है, हमेशा आप मिरर में इरेक्ट ही आपको इमेज फॉर्म होगी। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस भी साइज का ऑब्जेक्ट है इमेज उसी साइज का फॉर्म होगा। द थर्ड प्रॉपर्टी स्टेट्स द इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी आप फिगर में देख रहे हो कि एक चेस बोर्ड पे एक शार्पनर रखा हुआ है, उसके सामने एक मिरर है। ओके, अभी ये जो शार्पनर है वो थर्ड ब्लॉक में है, तो मिरर में भी जो शार्पनर है वो थर्ड ब्लॉक में ही नजर आएगा। अगर आप इस शार्पनर को थोड़ा सा नजदीक ले आते हो तो मिरर में भी जो शार्पनर है उसकी इमेज थोड़ी सी नजदीक हो जाएगी,
ओके, सो दिस कंक्लूड्स दैट कि जो भी इमेज का डिस्टेंस है वो उतना ही होगा जितना कि ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है. एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द इमेजेस फॉर्म इन अ प्लेन मिरर आर लैटरली इन्वर्टेड. अब लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है? तो जब भी आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करोगे तो मिरर में आपका राइट हैंड रेज होगा. दिस प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्शन इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन. ओके, तो ये चार प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर थी. अभी हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर से जो इमेजेस फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं. तो कॉनकेव मिरर से जो भी इमेजेस फॉर्म होते हैं वो वर्चुअल या वर्चुअल भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं. ठीक है, हमने प्लेन मिरर में पढ़ा कि जो भी इमेजेस फॉर्म होते हैं वो हमेशा वर्चुअल होते हैं. वर्चुअल और रियल क्या होता है? तो जब भी कोई इमेज मिरर के अंदर फॉर्म होता है तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, लेकिन जब भी हम किसी इमेज को स्क्रीन पे लेने की कोशिश करते हैं तो उसको रियल इमेज कहते हैं. जैसे कि हम जो मूवीज देखते हैं एक प्रोजेक्टर स्क्रीन पे तो डैट इज कॉल्ड अ रियल इमेज, लेकिन जब भी हम खुद को मिरर में देखते हैं तो इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज. ओके, तो अभी जो कॉनकेव मिरर है उसमें वर्चुअल इमेज भी फॉर्म हो सकता है, मतलब कॉनकेव मिरर के अंदर भी इमेज फॉर्म हो सकता है और कॉनकेव मिरर के अंदर फॉर्म ना होके किसी स्क्रीन पे भी फॉर्म हो सकता है जिसको कहते हैं रियल इमेज. ठीक है, एनलार्ज भी हो सकता है, डिमिनिश्ड भी हो सकता है और सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ओके, और जो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है. सो ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिरर एंड द स्क्रीन. ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट केस है. बिफोर टेलिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो स्फियरिकल मिरर होते हैं वो तो हमने 6 और 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है कि जो स्फियरिकल मिरर्स होते हैं वो एक बड़े से स्फियर का हिस्सा होता है. ठीक है, तो इस स्फियर का, जिस भी स्फीयर का वो जो मिरर है वो हिस्सा है उसका जो भी रेडियस होता है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय सी. ओके, और जो सारे जो वी कैन से कि जो लाइट रेज पास हो रहे हैं वो जहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर मीट करते हैं डैट इज कॉल्ड फोकस. उसको जो है वो मिरर का फोकस कहा जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ. तो अभी ये जो फिगर आप देख सकते हो इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस के आगे रखा हुआ है और जो इमेज फॉर्म हुई है वो मिरर के अंदर फॉर्म हुई है एंड जो मिरर है वो एनलार्ज है. ओके, आप देख सकते हो कैंडल जो है वो छोटी सी है लेकिन उसकी जो मिरर मिरर इमेज है वो काफी बड़ी है. ओके, अभी सेकेंड केस में आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट है उसको काफी दूर रखा हुआ है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर रखा हुआ है. ठीक है, तो उसकी जो इमेज है, सी हियर, उसकी जो इमेज है वो एक तो उल्टी हो गई है और प्लस डिमिनिश्ड हो गई है, मतलब छोटी सी इमेज फॉर्म हुई है. और ये जो इमेज है ये मिरर के अंदर फॉर्म नहीं हुई है, ये देखो आप, ये मिरर के बाहर एक स्क्रीन पे फॉर्म हुई है. ठीक है, तो एंड वन मोर फिगर आई विल शो यू, जस्ट अ मिनट. ओके, अभी यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट के पीछे वाली स्क्रीन पे फॉर्म हुई है एंड इट इज एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड. ओके, तो इससे हमने तीन चीजें कंक्लूड की प्रॉपर्टीज समझ के कि कॉनकेव मिरर से जब भी हम इमेज फॉर्म करते हैं तो हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, द ऑब्जेक्ट, द मिरर एंड द स्क्रीन. ठीक है, जब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होता है तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट और मिरर चाहिए, लेकिन स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म करते वक्त हमें मिरर चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए. और ये जो किस तरह की इमेज फॉर्म होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर. ओके, अभी कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेजेस फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेजेस फॉर्म होते हैं वो हमेशा दे आर स्मॉलर, इरेक्ट एंड वर्चुअल. ठीक है, अभी ये फिगर आप देखो, इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हियर इज द ऑब्जेक्ट, ये वाला जो है मैं जूम करके दिखा देती हूँ, ये वाला जो है वो ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज आप देख सकते हो, ये वर्चुअल इमेजेस फॉर्म जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म हुई है और ये इमेज जो है वो हमेशा जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट फॉर्म होगी, कभी भी इन्वर्टेड फॉर्म नहीं होगी, ऑलवेज इरेक्ट फॉर्म होगी. ठीक है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर्स जो है उसको गाड़ियों में यूज किया जाता है, गाड़ी के जो साइड साइड मिरर्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है ताकि हम दूर तक के व्हीकल्स को देख सकें और दूर तक का जो रास्ता है वो हम देख सकें कि कहीं से व्हीकल तो नहीं आ रही. इसीलिए आप कभी नोटिस करोगे तो देखोगे कि कॉन्वेक्स मिरर्स जो यूज होते हैं व्हीकल्स में उसमें लिखा हुआ होता है कि द ऑब्जेक्ट्स अपियरिंग इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपियर. ठीक है, मतलब
जो मिरर में हमें छोटी इमेजेस दिख रही होती हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जो गाड़ी है वो हमसे बहुत दूर है, बट ऐसा नहीं है, गाड़ी हमसे नजदीक होती है, बट क्योंकि उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज हुआ है इसीलिए वो जो गाड़ी है वो हमें छोटी नजर आ रही होती है। ओके अभी पढ़ेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो रिफ्लेक्शंस में क्या होता है कि कभी कभी जो सरफेस एकदम स्मूथ और शाइनी होता है ना, उसके ऊपर आपको क्लियर अपना रिफ्लेक्शन नजर आएगा। जैसे कि अगर आप एक नया स्टील का प्लेट लोगे और उसमें आप अपना फेस देखोगे तो आपको क्लियर अपना फेस नजर आएगा, बट उसी स्टील को अगर आप बहुत दिनों तक यूज करोगे और उसका जो सरफेस है वो डल हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसमें अपना क्लियर फेस नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है दोनों रिफ्लेक्शन में, इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं रहती, जब भी सरफेस में यू कैन से स्मूथनेस पैरेलल नहीं होती सरफेस, यू कैन से ऊपर नीचे हो जाती है, तब उसका जो जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो पैरेलल नहीं होते। इंसिडेंट रेज तो हमेशा पैरेलल होते हैं, बट जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो पैरेलल नहीं होते, और इसकी वजह से जो हमें रिफ्लेक्टेड इमेज है वो प्रॉपर नहीं मिलती है। इसका एक एग्जांपल आपको और मैं दे सकती हूँ कि जब भी आप एक स्टिल वाटर में अपना इमेज देखते हो तो आपको क्लियर इमेज नजर आती है ना? जब भी स्टिल वाटर में अपना इमेज देखोगे तो आपको क्लियर इमेज नजर आएगी, लेकिन अगर आप उसी वाटर के सरफेस में अगर आप एक स्टोन को ड्रॉप करोगे तो आपकी जो इमेज है वो नजर आएगी लेकिन वो ब्लर हो जाएगी। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर का सरफेस था वो पैरेलल नहीं रहा, जिसकी वजह से जो रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। आप ये फिगर में देख सकते हो, जब भी स्मूथ सरफेस से कोई भी रिफ्लेक्ट रेज होता है तो वो हमेशा पैरेलल रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन जब भी किसी भी ऐसे सरफेस से रेज रिफ्लेक्ट होते हैं जो कि स्मूथ नहीं है, जो कि रफ सरफेस है, तो उसमें से जो रेज रिफ्लेक्ट होते हैं वो पैरेलल नहीं होते, वो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ओके और अभी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये सोचना है कि क्या जो भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है या नहीं करता है। तो इसका आंसर ये है कि हर किसी भी तरह के रिफ्लेक्शन में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो होते ही हैं, हर तरह के रिफ्लेक्शंस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो होता ही है। ओके अभी मूविंग अहेड विल टॉक अबाउट मल्टीपल इमेजेस एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो ठीक है, मल्टीपल मिरर्स की वजह से मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते हैं, एक ही इमेज का जब बार बार रिफ्लेक्शन होता है तो उसको उसकी वजह से मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो जाते हैं। एंड कितने इमेज फॉर्म होंगे ये डिपेंड करता है एंगल बिटवीन द मिरर्स पे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ आगे, जैसे कि यहाँ पे दो मिरर्स हैं और इसको 90 डिग्रीज पे रखा हुआ है तो दो इमेज फॉर्म हुई है। ओके, पर अगर इसी मिरर का अगर मैं एंगल 60 डिग्री कर दूं तो आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5 5 इमेजेस फॉर्म हुई है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब भी आप मिरर का एंगल रिड्यूस करते हो तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, जब जैसे अब यहाँ पे देखो 45 डिग्री रखा हुआ है दो मिरर के बीच के एंगल्स को, तो इसमें जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इमेजेस फॉर्म हुई है। ओके, अब जैसे कि ये फिगर है, इसमें जो सारे मिरर्स हैं एक दूसरे को पैरेलल है मतलब इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री एंगल है, इसीलिए आप जहां भी देखोगे वहां आपको इमेज ही नजर आएगी। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म व्हेन द मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके अभी मूविंग अहेड, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि कितने इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल जो भी आपके मिरर्स का एंगल है -1। अभी एप्लीकेशन कहाँ होता है मल्टीपल इमेजेस का, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज नॉट जस्ट फॉर गेमिंग एंड एंजॉयिंग पर्पस, इसका रियल में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, इसके पेरिस्कोप में इम्प्लीमेंट होता है। पेरिस्कोप मतलब जो सबमरीन में बाहर क्या हो रहा है वो देखने के लिए यूज होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको पेरिस्कोप कहते हैं। फिर इसका कैलिडियोस्कोप में यूज होता है, जो हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं कैलिडियोस्कोप, उसमें इसका यूज होता है। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट सनलाइट, कि सनलाइट एक्चुअली क्या है, कौन से कलर का सनलाइट होता है। डू यू थिंक सनलाइट इज अ वाइट कलर या फिर उसमें और भी कलर्स हैं जो हमें दिखते नहीं है? तो आपको बता दूं कि सनलाइट जो है वो वाइट कलर का है, इट इज प्योर वाइट, लेकिन वाइट लाइट जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स।
और ये डिस्कवर किया सर आइजैक न्यूटन ने जब उन्होंने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया। ठीक है, अब प्रिज्म क्या होता है, इट विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रिज्म एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है विच इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लास, ठीक है, जिसमें से जब व्हाइट लाइट को पास किया तो उसमें जो व्हाइट लाइट था इट गॉट डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ओके, तो इससे हमें पता चला कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स से फॉर्म हुआ है। ना अभी हम बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ओके, तो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि लेंस में से जो है वो इमेज कैसे फॉर्म होती है। ओके, हाउ इज एन इमेज फॉर्म्ड इन द लेंस। तो ह्यूमन आई जो है उसमें सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है, जो यू कैन सी हियर, ये फिगर में आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो है वो सबसे आगे जो होती है आईज में वो कॉर्निया होती है, जो हमारा फ्रंट स्ट्रक्चर जो सबसे पहली चीज आती है हमारी आईज में कॉर्निया होती है, उसके पीछे होता है आयरिस और आयरिस के पीछे होता है लेंस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लेंस होता है आयरिस के पीछे और इसकी जो साइज है वो सीलियरी मसल्स जो होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। तो लेंस के थ्रू जो है वो जो लाइट रेज है वो हमारी आईज में एंटर करती हैं और सीलियरी मसल्स जो है वो लेंस की साइज को कंट्रोल करता है, जिससे कि ये डिफाइन हो सके कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारी आईज में एंटर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दुनिया में तो यूनिवर्स में तो बहुत सारा लाइट प्रेजेंट है। ठीक है, सनलाइट तो हर जगह अवेलेबल है, बहुत सारा लाइट अवेलेबल है, बट हमारी आईज को उतना लाइट नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारी आईज को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसके लिए हमें हमें इतना ही लाइट चाहिए ना जिससे हमें नज़दीक का या फिर कोई दूर का ऑब्जेक्ट नज़र आ सके। तो कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में एंटर होना चाहिए ये सीलियरी मसल्स डिसाइड करते हैं। ओके, और फिर ये लाइट रेस जब जब भी पास होते हैं लेंस में से तो फिर ये इमेज फॉर्म करते हैं रेटिना पे। ओके, हियर इट फॉर्म्स द इमेज। अब ये जो इमेज होती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है, तो हमारे जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो जब भी इमेज फॉर्म होती है हमारी रेटिना पे तो वो अलर्ट हो जाते हैं और हमारी माइंड को मैसेज सेंड करते हैं। ओके, और माइंड में जो है वो ये इमेज जो करेक्ट हो जाती है, इन्वर्टेड जो होती है उसको फिर स्ट्रेट कर देता है हमारा माइंड, एंड दैट इज द रीजन दैट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे जो है वो ये चैप्टर खत्म हो रहा है जो विद द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर क्लियरली। प्लीज नोट डाउन द PDF सेंड टू यू एंड स्टडी द चैप्टर प्रॉपरली। थैंक यू सो मच।